तो जैसा कि आपने बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंग्लिश का पेपर है उसके लिए आर्टिकल आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा बहुत सारे टॉपिक पर, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स टॉपिक पर भी आर्टिकल अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि यह आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको यह टॉपिक देखने को मिल सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, जिस पर कि आपको आर्टिकल लिखने के लिए कहा जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स टॉपिक पर आर्टिकल तैयार नहीं किया है तो इसे तैयार कर लें। यहाँ पर मैंने काफ़ी सिंपल और सरल शब्दों में आपको आर्टिकल स्पष्ट किया हुआ है, और अगर आप इस टॉपिक पर आर्टिकल तैयार कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के पेपर में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि यह आपको टॉपिक जो है इंग्लिश के पेपर में देखने को मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको इस आर्टिकल का जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से आर्टिकल समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हेडिंग डाला इंट्रोडक्शन। तो आर्टिकल जब भी आप लिखें हेडिंग बाय हेडिंग लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांस होते हैं और आपका जो आर्टिकल होता है आकर्षक लगता है। तो देखिए इंट्रोडक्शन के अंतर्गत मैंने लिखा इन स्टूडेंट लाइफ इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी विद्यार्थी के जीवन में खेलों का महत्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इट इज ट्रूली कंसिडर, या निश्चित रूप से माना जाता है दैट की थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट एंड डिफरेंट गेम्स, कि भिन्न भिन्न खेलों में भाग लेने से स्टूडेंट लर्न कोऑपरेशन, यानी विद्यार्थी सहयोग करना, टीम वर्क मिलकर काम करना, लीडरशिप मेथड नेतृत्व करने के नियमों को लर्न मतलब सीखते हैं, एंड टाइम मैनेजमेंट और समय व्यवस्था को। तो इट इज ट्रूली कंसिडर दैट थ्रूली पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट एंड डिफरेंट गेम्स स्टूडेंट्स लर्न कोऑपरेशन, टीम वर्क, लीडरशिप मेथड्स एंड टाइम मैनेजमेंट, यानी ऐसा माना जाता है कि भिन्न भिन्न खेलों में भाग लेने से विद्यार्थी सहयोग, मिलजुल कर काम करना, नेतृत्व के नियमों और समय व्यवस्था को सीखते हैं। गेम्स आल्सो हेल्प स्टूडेंट डिस्कवरिंग दियर हाइडन टैलेंट्स, यानी गेम्स मतलब खेल आल्सो हेल्प मदद भी करते हैं स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों की डिस्कवरिंग मतलब पता लगाने में या खोजने में दियर हाइडन टैलेंट उनके छुपे हुए प्रतिभाओं को, यानी खेल विद्यार्थियों की मदद भी करते हैं उनमें छुपी हुई प्रतिभाओं को डिस्कवरिंग पता लगाने में या खोजने में। इसके बाद आगे है देयरफॉर गेम्स मस्ट बी प्लेड, इसीलिए खेलों को अवश्य खेला जाना चाहिए। इसके बाद अगला हेडिंग है आपका एडवांटेजेस ऑफ गेम्स इन लाइफ, यानी जीवन में खेलों के लाभ। तो वी कैन अंडरस्टैंड एडवांटेजेस ऑफ गेम्स इन लाइफ, यानी हम लोग जीवन में खेलों के लाभ को समझ सकते हैं बाई फॉलोइंग हेडिंग्स, आ रहे शीर्षकों के द्वारा या आ रहे हेडिंगों के द्वारा। तो यहाँ पर मैंने पहला हेडिंग लिखा है स्ट्रॉन्ग द बॉडी, यानी शरीर को मजबूत बनाना। गेम्स इंप्रूव आवर बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम, यानी खेल हमारे शरीर के प्रतिरक्षा सिस्टम तंत्र को इंप्रूव मतलब सुधारते, यानी कि खेल हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को सुधारते हैं। विच मेक्स आवर बॉडी हेल्थी एंड स्ट्रांग, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। गेम्स मेक आवर फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी मोर स्ट्रांग, यानी गेम्स यानी खेल हमारे शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को मोर स्ट्रांग और मजबूत करते हैं। गेम्स मतलब खेल गिव अस अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, यानी खेल हमें अत्यधिक प्रेरणा देते हैं, एंड एक्टिव आवर बॉडी और हमारे शरीर को सक्रिय रखते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हेडिंग है डिसिप्लिन अनुशासन। गेम्स मेक द चाइल्ड मोर एक्टिव, यानी खेल बच्चे को अधिक सक्रिय बनाते हैं एंड डिसिप्लिन और अनुशासित बनाते हैं। अगला आपका हेडिंग है यूनिटी एकता। गेम्स टीच अस अबाउट टीम वर्क, यानी खेल हमें मिलजुल कर काम करने के लिए सिखाते हैं, एंड अनसेल्फिश प्ले और निस्वार्थ खेल, यानी खेल हमें मिलजुल कर काम करने के बारे में और निस्वार्थ रूप से खेलने के बारे में सिखाते हैं। गेम्स इनकरेज अस टू प्ले फॉर द टीम, यानी खेल हमें टीम के लिए खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं रादर देन आवर पर्सनल अचीवमेंट, यानी अपनी निजी उपलब्धियों की अपेक्षा, यानी खेल वास्तव में हमारे निजी उपलब्धियों की अपेक्षा टीम के लिए खेलने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद आपका अगला हेडिंग है कॉन्फिडेंस विश्वास। गेम्स बूस्ट अवर मोराल, यानी गेम्स मतलब खेल बूस्ट मतलब बढ़ाते हैं अवर मोराल हमारे मनोबल को। वेन वी परफॉर्म वेल, जब हम लोग अच्छा करते हैं। गेम्स इंक्रीज अवर सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी खेल हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। विच मेक्स अस फील मोर कॉन्फिडेंट, जिससे कि हम लोग अधिक विश्वास को मजबूत महसूस करते हैं, एंड डिटरमाइंड और दृढ़ निश्चय को महसूस करते हैं। इसके बाद आपका अगला हेडिंग है कंपटीशन स्पर्धा। गेम्स जनरेट अ हेल्दी फेयर एंड स्ट्रांग स्प्रिट ऑफ कंपटीशन, यानी खेल स्प्रिट मतलब भावना, कंपटीशन मतलब स्पर्धा, यानी खेल
स्पर्धा के एक स्वस्थ उचित और मजबूत भावना को जनरेट उत्पन्न करते हैं। वी कैन पार्टिसिपेट इन मेनी कंपटीशन गेम्स, यानी हम लोग बहुत सारी स्पर्धा वाले खेलों में भाग ले सकते हैं। दैट आर ऑर्गेनाइज इन आवर लोकल एरियाज, जो कि हमारे क्षेत्रीय इलाकों में आयोजित किया जाता है। इफ़ वी आर डूइंग वेल, यदि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, वी कैन प्ले फॉर आवर डिस्ट्रिक्ट, तो हम लोग अपने जिले के लिए खेल सकते हैं और स्टेट अथवा राज्य के लिए, एंड ऑल्सो फॉर आवर कंट्री, और अपने देश के लिए भी। इसके बाद आपका छठा हेडिंग है स्ट्रेंथ, शक्ति। गेम्स कीप आवर बॉडी इन गुड शेप, यानी खेल हमारे शरीर को अच्छे आकार में रखते हैं, अर्थात अच्छा आकार देते हैं। एंड ऑलवेज गिव स्ट्रेंथ टू आवर फिजिकल फिटनेस, और हमारे शारीरिक फिटनेस को सदैव शक्ति देते हैं। गेम्स आल्सो स्ट्रांग मसल्स ऑफ आवर बॉडी, यानी खेल हमारे शरीर के मांसपेशियों को भी मजबूत बनाते हैं। इसके बाद आपका अगला हेडिंग है कैरियर। इफ़ वी आर गुड इन एनी गेम्स, यदि हम लोग किसी भी खेल में अच्छे हैं, वी कैन मेक इट आवर कैरियर, तो हम लोग इसे अपना कैरियर बना सकते हैं, जीवन बना सकते हैं। इसके बाद आपका कंक्लूसन, निष्कर्ष हेडिंग है, ठीक है। गेम्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ देखिए पोर्ट लिखा है, बाई मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में, तो यहाँ पार्ट है, ठीक है, पार्ट, पी ए आर टी, ठीक है, पार्ट है। तो गेम्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी खेल हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। एंड एजुकेशन और शिक्षा, यानी गेम्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड एजुकेशन, यानी खेल हमारे जीवन और शिक्षा के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। इट इज़ ट्रूली सेड, या सही कहा गया है दैट की एजुकेशन, यानी यह सही कहा गया है दैट की एजुकेशन विदाउट गेम्स, यानी खेल बगैर एजुकेशन, मतलब शिक्षा विदाउट गेम्स, बगैर खेलों की इनकम्प्लीट, यानी अपूर्ण है। यानी यह सही कहा गया है कि शिक्षा बगैर खेलों की अपूर्ण होती है। तो ई जेम आर वाज वर बी वर्ब होते हैं, तो होनार्थ देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह था इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स नामक इस टॉपिक पर आर्टिकल, जिसे मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो किया है अपना व्हाट्सअप नंबर, तो मैं अप्रैल से जो है ऑनलाइन क्लासेस हमारे भी चैनल पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, तो आप मैं व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर लें। और जो भी आपके छोटे भाई हैं या फिर फ्रेंड्स हैं जो कि नेक्स्ट ईयर क्लास 9, 10, 11 या 12 में पढ़ने वाले हैं, तो उन्हें ज़रूर हमसे ज्वाइन करने का प्रयास करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।